तो हेलो गाइस, आज हमारे पास एक कैनवस शूज जिस पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, देख सकते हो इधर, और इधर एक एनिम का क्लाउड बना दिया, इधर जो है एक फायर है। ऐसा दूसरा जो शू है उस पर हमने कुछ बनाने का सोचा है, एक बटरफ्लाई। तो चलो बनाते हैं फटाफट, आउटलाइन भी कंप्लीट करते हैं। चलो तो मैं इधर आउटलाइन बनाने के लिए एक ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास बहुत दिन से पड़ा था। तो फटाफट आउटलाइन बनाते हैं चलो, क्योंकि हमको कलर भी करना है ना फटाफट। तो कलर के लिए मैं इधर एक्रेलिक का फैब्रिक यूज़ करूँगा, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा पानी भी ले लेते हैं। मैं इधर ब्लैक से इसको भर रहा हूँ, ब्लैक बटरफ्लाई का अंदर, और पंख का जो साइड है हमको ब्लैक से करना है, और जिधर हाईलाइटेड एरिया है हमको छोड़ना है। जैसे कि मैंने इधर तीन हाईलाइटेड एरिया छोड़ दिया है, उसको हम बाद में सफ़ेद से कलर कर देंगे। और इस पंख के अंदर हम एक्रेलिक का ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा ग्लो नहीं करता है। देख सकते मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है। इसके ऊपर हमको फेब्रिक यूज़ करना है। तो ये बन जाने के बाद इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ब्लैक से लाइन बना देंगे, जैसे कि हम बना रहे हैं ऐसा लाइन ज़िगज़ैग। इसके अंदर मतलब इसके अंदर भी हमको कलर करना है, ऑरेंज और रेड से हमको कलर करना है बाद में। और ये बनाते बनाते हमको 3 घंटा हो गया था, वीडियो तो 3 मिनट का है, 4 मिनट का है, लेकिन हमको बनाने में 3 घंटा लगा। और ये करने में हमको बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन क्योंकि नया नया चीज़ जो हम पहले करते हैं ना, उसमें हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, मतलब कुछ नया करना है, हमको बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, और कंप्लीट होने के बाद भी बहुत अच्छा दिख रहा था। तो वीडियो को लास्ट तक देखो कैसा बना है, मैं बाद पे सब दिखाएंगे। तो हमारा बटरफ्लाई कंप्लीट हो चुका है, ये मुझे बहुत ओपी लग रहा है, क्योंकि इधर का ऑरेंज और रेड का जो मिक्सिंग है ना, इसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमारा दो ही शो कम्प्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले बोला था एक फायर वाला बनाया था और मेरा बटरफ्लाई। इसमें से कौन सा अच्छा है आपको ज़रूर कमेंट करके बताना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।